और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉपर्टीज़ गुरु में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जनकपुरी के B1 ब्लॉक में और यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे हम लोग 150 स्क्वायर यार्ड की 150 स्क्वायर यार्ड की 3 BHK बिल्डर फ्लोर और काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी पॉश एरिया है। जनकपुरी में काफ़ी ब्लॉक हैं, उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है B1 ब्लॉक। और इसमें भी सेकंड एंड टॉप फ्लोर दोनों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। काफ़ी बेहतरीन काम किया गया, बहुत ही अच्छा काम किया गया यहाँ पे भी बिल्डर फ्लोर में। और यहाँ पे कंप्लीट इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है और बाथरूम भी बहुत अच्छा इंटीरियर इसमें किया गया है। किचन कम्प्लीटली इसमें मॉडर्न किचन है, एकदम से न्यू डिज़ाइन की किचन है, तो आपको बहुत ही इसमें बेहतरीन काम मिलेगा। और वुडवर्क भी हर रूम में बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन का वुडवर्क इसमें किया गया है। तो एक बार फिर से हम आपको लेकर चलते हैं जनकपुरी के B1 ब्लॉक में और बाकी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम लोग आपको बिल्डर फ्लोर में पहुंच के डिटेल्स में बताते हैं। तो चलिए चलते हैं B1 ब्लॉक जनकपुरी की 150 गज की बिल्डर फ्लोर में। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हम बिल्डर फ्लोर में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये कम्प्लीट आपको दिखाते हैं, इसका लेआउट समझाते हैं। ये यहाँ मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं और सामने बेडरूम नंबर 1 है, यहाँ पे एक मॉडर्न किचन है और यहाँ पे देखेंगे बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3 यहाँ पे है। तो पहले हम लोग चलेंगे बेडरूम नंबर 1 में। ओके एंड और ये बेडरूम नंबर 1 जो फ्रंट बालकनी को अटैच करता है, बहुत ही बढ़िया काम किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे सामने वॉल के ऊपर, बेड साइड की वॉल के ऊपर काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है, POP का डिज़ाइन बना के उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पेंट किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे सामने वार्डरोब्स हैं। ओके और वार्डरोब में भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। और यहाँ पे सामने आपको मिलता है TV पैनल। इस बिल्डर फ्लोर में 3 बेडरूम हैं और ये वाला बेडरूम फ्रंट बालकनी से अटैच करता है, तो बालकनी भी अगर आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा एरिया है, ये काफ़ी जगह है यहाँ पे। और ये वाला फ्लोर अपर फ्लोर है, काफ़ी स्पेशियस है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ और ड्राइंग रूम में यहाँ पे आपको अटैच एक बाथरूम मिलेगा। आप इसको वॉशरूम कह सकते हैं, आप इसको या पाउडर रूम कह सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है और सामने अगर आप देखें तो नीच में लाइट्स का भी प्रोविज़न है जो इसकी ओवरऑल लुक को बहुत ही एनहांस करता है। टाइल वर्क बहुत ही बढ़िया किया गया है और यहाँ पर आपको सीट WC भी जैगवर की मिलती है। यहाँ पे वॉश बेसन और अदर सैनिटरी वर्क है वो भी सारा जैगवर का ही है, बहुत ही हाई क्वालिटी का काम किया गया है। और एक बार से आप यहाँ पे ड्राइंग रूम का कंप्लीट व्यू ले सकते हैं। तो वहाँ पे फ्रंट वॉल और साइड वॉल का कलर कॉम्बिनेशन ग्रे एंड वाइट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ में और ये फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट व्यू आप ले सकते हैं इसका किचन का। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप बड़ा डबल डोर का, सिंगल डोर का फ्रिज भी रख सकते हैं और ये यहाँ पे आप माइक्रोवेव ओवन रख सकते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेंट्री आइटम रखने के लिए यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे किचन में एकदम से यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट और मॉडर्न डिज़ाइन बनाया गया है और एक तरीके से कलोनियल डिज़ाइन टाइप का लग रहा है। और यहाँ पे कटलरी रखने के लिए ये सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स भी यहाँ पे लगाई गई हैं, आपको मिलती हैं। और यहाँ पे आप अपना होब और चिमनी इंस्टॉल कर सकते हैं और ओवरऑल किचन में स्पेस भी काफ़ी है। और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको कॉर्नर मिलता है। तो आपको हमने और भी बिल्डर फ्लोर्स में दिखाया था, वहाँ पे भी कॉर्नर है, एकदम से यहाँ पे नए डिज़ाइन का आपको कॉर्नर मिलता है और ये कॉर्नर बहुत ही बेहतर लग रहा है और इसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेस भी है और ऐसे ही अंदर चला जाता है, बहुत ही बढ़िया है। और जितने भी यहाँ पे ड्रॉर्स हैं सारी सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स हैं, एकदम मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन की गई ड्रॉर्स हैं और एकदम से बहुत ही बढ़िया किचन बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको
क्रॉकरी के लिए अलग से स्पेस मिलता है। ऊपर से लेके नीचे देखते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, और क्रॉकरी के लिए अलग से आपको स्पेस मिल सकता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बेडरूम नंबर 2 में। ये बेडरूम नंबर 2 रियर बालकनी को अटैच करता है, ये भी बहुत बढ़िया है। अगर ऊपर आप लाइट देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई गई हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। और ये कोप लाइट के साथ में प्रोफाइल लाइट का कॉम्बिनेशन देखे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और पीछे यहाँ पे अगर वॉल देखेंगे जहाँ पे बेड लगता है, वॉल को भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रे कलर में डिज़ाइन किया गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका अटैच वॉशरूम। बहुत ही बढ़िया और काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर आप शावर देखेंगे तो शावर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जितनी भी सैनिटरी वर्क किया गया है वो सारा जैगवार का है। और यहाँ पे आप वॉश बेसिन देखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और टाइल वर्क यहाँ पे नीच वर्क भी किया गया है। एक बार लाइट जला कर देखते हैं, वाह। ऊपर आप लाइटिंग का देखेंगे तो नीच में इस तरीके से लाइट्स का डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लुक को बहुत ही बेहतर बनाता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं बाहर की तरफ में। और सामने इस वाले बेडरूम की वार्डरोब्स आपको नज़र आती हैं, एकदम से प्योर वाइट लेमिनार में इसको डिज़ाइन किया गया है। अंदर फैब्रिक लेमिनार यूज़ किया गया है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्टोर कर सकते हैं आप इसमें क्लोथ्स और अदर आइटम्स। और सामने अगर आप देखेंगे डोर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डोर्स और डोर्स के हैंडल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि बिल्डर ने इस बिल्डर को बनाते हुए काफ़ी इसमें अच्छा मटेरियल और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। अब हम आपको रियर बालकनी की तरफ लेकर चलते हैं जो कि एक वॉशिंग एरिया है। इस वाले एरिया में आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर डोर्स भी देखेंगे तो सारे UPVC डोर्स लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डोर्स लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया है। तो जितनी भी मैंने अभी तक बिल्डर फ्लोर देखी हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर फ्लोर आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बेडरूम नंबर 3 में। ये इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, जो बेडरूम की तरफ पे जो वॉल होती है जहाँ पे आप बेड प्लेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। इसको डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से एक गोल्डन प्रोफाइल से इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। और यहाँ पर भी आपकी एकदम से जो टीवी है आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साइड पे यहाँ पे मिरर आपको मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल के लिए आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये तो वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत ही बढ़िया। हर वॉशरूम का डिज़ाइन और टाइल वर्क एकदम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और अच्छा काम किया गया है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखेंगे टाइल्स के बीच बीच में ये यहाँ पे एक आप कह सकते हैं इसको पेंसिल कह सकते हैं या कुछ भी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाकर इस वॉशरूम को बनाया गया है, बहुत ही लुक इसकी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वॉश बेसन आपको नज़र आएगा। अभी यहाँ पे मिरर्स नहीं लगे हैं तो बाद में मिरर्स भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पर तो नीश यहाँ पे भी बनाई गई है, और एक बार लाइट ऑन करने के बाद इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा एनहांस करती है। काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया ये वॉशरूम। हर वॉशरूम, हर रूम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और सामने अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है वार्डरोब, बहुत ही बढ़िया। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सीलिंग हाइट तक इसको बनाया गया है। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर फ्लोर है। अगर आप इस बिल्डर फ्लोर को विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हम लोगों को नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बिल्डर फ्लोर में 2 फ्लोर्स अवेलेबल हैं, सेकंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमको कॉन्टैक्ट करके इस बिल्डर फ्लोर को देख सकते हैं। तो
हम आपको एक बार से फिर धन्यवाद कहना चाहेंगे, शुक्रिया कहना चाहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर्स एंड डियर्स को हमारा वीडियो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको इस बिल्डर प्रो की विजिट करा के दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल वंस अगेन।